हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर, मैं आया हुआ हूं नौसारी गुजरात। WS7 स्टड फार्म एक रेस करा रहे हैं और उसमें उनके जो तीन घोड़े दौड़ेंगे चैंपियन है सारे। तो सवार मकसूद भाई हमारे साथ। हमारा एक इंटरव्यू ख़राब हो गया था, दोबारा ले रहा है, ऑडियो नहीं आई थी। आ जाओ मकसूद भाई दोबारा से। मकसूद भाई आप सवार बढ़िया हो, ठीक है, सब बढ़िया है, रेस बढ़िया हो रही है। ये बताओ आपका कौन सा घोड़ा बढ़िया बढ़िया काम करने वाला है, कौन कौन से घोड़े लड़ेंगे? तीन घोड़े मेरे लड़ेंगे। रफ्तार घोड़ा बड़ी में दौड़ेगा, ठीक है, गाजी घोड़ा 35 वाली में दौड़ेगा, अच्छा, और सभा घोड़ा है सब्जा वो 30 वाली में दौड़ेगा। अरे रफ्तार की बात करें, काफी रेसे जीता है जी, जैसा कि आपने बताया। कितनी रेस है लगभग जीत गया? 10 हो गई रेस, 1 साल में 10 रेस हो गई। 10 रेसे जीतना 1 साल के अंदर बहुत बड़ी बात है। लास्ट परभनी की जीत के आ रहा है वो। परभनी के बाद कच्छ में गया था लेकिन घोड़ा उधर इंजर्ड हो गया था। हाँ वो आपका है कि लात मार दी थी वो, लेकिन वहाँ भी नंबर कुछ ना कुछ आता इसका, आ जाता क्योंकि बढ़िया आता। उसके हफ्ते बाद सूरत में भी रेस थी तो उसमें भी 3रा नंबर आ गया था। स्पीड भी बहुत है, कितनी स्पीड लगभग जाती है? 40-40 हो जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रफ्तार की रफ्तार, और नौसारी के दंगल में एक अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। तो रफ्तार जैसे आपने बताया कि रफ्तार यहाँ पर जब आया था तब जैसे यहाँ पर ही सारी रेसें जीता है कि पहले? उससे पहले भी मेरे दोस्त के पास ही था, करण भाई करके हैं। हाँ हाँ। उनके पास घोड़ा था, उनके पास भी रेस जीता हुआ है घोड़ा। अच्छा, पहले से ही जीता हुआ है। तो क्या जब बैठते हैं उस पर तो क्या अलग है और घोड़ों में और उसमें? मेरा कहला बहुत मानता है, कहना। अच्छा, बहुत मानता बात है। मानता है बात मानता है। अच्छा, वैसे तो शरारती है। 10 रेस में गया, हाँ। कभी भी निराश करके नहीं आया, सब में नंबर 1 से 3 में आया है। आया जरूर है। और अब यही है कि कच्छ में आना बहुत बड़ी बात। कच्छ में आना बहुत बड़ी बात। और वही चीज है कि ये 40 में दौड़ेगा आपका? 40 में दौड़ेगा। 40 में भी इस बार फाइट बहुत तगड़ी है। बहुत तगड़ी फाइट है। महाराष्ट्र से भी घोड़े आए हैं, परभनी से आए हैं, राजस्थान से आए, कच्छ से भी 8-10 घोड़े आए हैं। सब चलने वाले, सब चैंपियन घोड़े हैं। मजा आएगी, रेस बहुत अच्छी होगी। और ये बताइए 35 में कौन लड़ेगा? 35 में गाजी अबलग घोड़ा है वो दौड़ेगा। गाजी की चाल तो भैया निराली है। गाजी अगर अभी बात करें कितनी रेस जीता है? 8 रेस जीत चुका है वो भी। 8 रेस जीता है, 10-8। तो गाजी की अगर जैसे बात करें, लास्ट कौन सी जीता है? अभी सूरत में फिलहाल हुई थी। अच्छा, अभी कच्छ में भी गया। कच्छ में भी गया था, उधर भी सेकंड आ गया। हाँ। अभी इधर सूरत में उधर भी सेकंड नंबर आ गया उसका। कितनी स्पीड से चलता है वो? 36-37। अच्छा, जैसे 36-37, जैसे अगर 30 की रेस में अगर घोड़ा 32-33 दौड़ता है तो चल जाए? 33-34-33 फिर 34-35 हो जाएगा तो उसमें फिर डिस्क्वालीफाइड होगा। अच्छा ठीक है। तो गाजी की आप रफ्तार देख रहे हैं, तो गाजी को भी अभी 1 ही साल हुआ होगा? 1 साल हुआ। तो ये कहाँ से लाए थे? ये जो वसीम भाई ने जो इस्माइल पटेल पास जो 14 घोड़े लिए थे उसमें आया था। अच्छा, उसी में आया। चलने का ढंग बहुत अच्छा। नया घोड़ा है अभी, उम्र में तो मेरे ख्याल से 4 साल का हुआ, चार दांत हुआ। और रफ्तार बहुत बढ़िया है, चलने का तरीका अच्छा है। और ये है कि ये जो 35 की रेस है ना, इसमें दावेदार है जी। जैसे दावेदार जीत का जो होता है, घोड़े तो बहुत आएंगे इस बार, बहुत हैं घोड़े, बहुत घोड़े हैं। 35 पे कम से कम 40 घोड़े हो जाएंगे ऐसी उम्मीद है। और 30 वाली में कौन सा छुपा के रखा है? 30 वाली में सब्जा घोड़ा है, सभा नाम है उसका। नाम कौन रखता है? अंजर भाई रखते हैं। अच्छा, तो सभा की भी चाल बड़ी निराली है। बड़ी है, सब चलता है, बिना तोड़ के चलता है। बिना तोड़ के चलता है, ये मैंने देखा है कि बिना तोड़ के चलता है। और अगर जैसे एज वगैरह की बात करें तो अभी वो भी 4 साल का हुआ। ये नए घोड़े हैं सारे, वही चीज़। ये सब बच्चे आए थे, आदत बच्चे आए थे। तो सभा में और रफ्तार में क्या फर्क है? थोड़ा पावर का फर्क है, रफ्तार में ज्यादा पावर है। अच्छा, तो स्पीड ज्यादा है, क्योंकि देखिए चलने का ढंग मुझे कुछ सेम लग रहा है। भाई अभी है, अभी 1 साल बाकी है सभा पे। मेहनत करेंगे रफ्तार जैसा बने। तो बाकी रेस की सही तैयारी चल रही है? चल रही है। कैसे टाइम निकालते हो? थकते नहीं हो? 3-3 घोड़ों में बैठोगे? नहीं बैठूंगा तो थकूंगा। क्या बात है, ठंडी हवा चल रही है। आप लोग सर्दी में कुड़कुड़ा रहे होंगे, हम गर्मी में तपतपा रहे हैं। और इधर ज्यादा गर्मी है जीत की, और होना भी चाहिए, सभी के साथ। उम्मीद है, फिर ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में। सही बात। तो चलिए मकसूद भाई जी, आदि हम आपसे यही कहते हैं कि जिस लिए घोड़ों पर आप बैठ रहे हैं और ये पाल रहे हैं उसमें कामयाबी मिले, और हार जीत अपनी जगह है, जिस लिए सोचा है वो पूरा हो जाए। रेस अच्छी होना चाहिए, और रेस अच्छी हो जाए, अपने घोड़े आए नहीं है उसकी कुछ, रेस अच्छी होना चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी शुक्रिया, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, देखते हैं नौसारी में अब है किसकी बारी।